हेलो स्टूडेंट्स, इस आज डिजिटल कोर्स कोर्स अमाउंट मेनी चार्जिंग अदर चार्जेस एंड सुपर कोचेस प्रिंसिपल, यानी कि अलग दूसरे चार्ज की वजह से टोटल जो फोर्स है वो कितना क्रिएट होता है उसके अंदर, तो हम वो इसके अंदर बताएंगे। सुपर कोचेस प्रिंसिपल, क्योंकि सुपर कोचेस प्रिंसिपल की सहायता से हम फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। वो क्या है? According to this principle, the total force between two charges are not affected due to other charges, and it is equal to the total vector sum of all point charges. यानी कि सबसे पहले जैसे three dimensional system बनाएंगे, ऐसे x यानी z जैसे एक पॉइंट ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट ले सकते हैं, एक ये पॉइंट ले सकते हैं। देयर आर मेनी पॉइंट्स लाइक Q1, इस पॉइंट जैसे Q1 चार्ज मान सकते हैं, Q2 चार्ज मान लीजिए, Q1 चार्ज है। ये सिस्टम है जिसके अंदर n चार्जेस हैं और एक पॉइंट चार्ज है जिस पर हम ये फोर्स एग्जीक्यूट देखेंगे। यहां पे टू है, q1 q2 q3 q4 अप टू n, यानी कि n चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस n है यहां पे। अब इसके बाद जैसे ये पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर हो गया, r1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ q1 चार्ज, r2 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ q2 चार्ज, r0 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ q0 चार्ज, सिमिलरली rn वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ qn चार्ज, q3 हो सकता था, q4 हो सकता था, देयर आर मेनी चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस हियर n। सो फोर्स एक्ट एग्जीक्यूटेड ऑन q0, क्योंकि हम अप्लाई करेंगे q0 पे, देखेंगे यहां पे सबसे पोजीशन वेक्टर होगा, यानी कि q1 से q0 के जैसे ये हो जाएगा q01 r01 वेक्टर हो गया। यहां पे q2 चार्ज के लिए q2 से और q0 के बीच में जो पोजीशन वेक्टर है जिस डायरेक्शन में आया और 02 वेक्टर हो गया। qn यानी q1 जैसे ये qn है, qn ये r0n ये पोजीशन वेक्टर हो गए विद टू चार्जेस। अब डायरेक्शन ये है, फोर्स एग्जर्टेड ऑन q0 ड्यू टू q1 उसकी डायरेक्शन ये रही f वेक्टर 01, यानी कि फोर्स एग्जर्टेड ऑन q0 चार्ज ड्यू टू q1 डायरेक्शन ये। सिमिलरली फोर्स एग्जर्टेड ऑन q0 ड्यू टू q2 आगे यानी कि साइड f 02 सेम तरीके से q0 से qn यानी कि यहां से आते इस पे q फोर्स एग्जर्टेड ऑन q0 ड्यू टू qn, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की हो जाएगी, जैसे इस साइड ये हो जाएगा f वेक्टर यानी 0n यूं। सेम इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल फोर्स एग्जर्टेड ऑन एक पॉइंट चार्ज वो पॉइंट चार्ज हमने क्यों माना था, ड्यू टू अदर चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम यानी कि सदिश योग वेक्टर सम ऑफ
मल्टीपल फोर्सेस ऑफ एवरी चार्जेस यानी कि एफ वेक्टर यानी इस टोटल में एफ वेक्टर में टोटल चार्ज आ गया, टोटल चार्ज इक्वल टू हो जाएगा एफ जीरो वन वेक्टर प्लस एफ जीरो टू वेक्टर प्लस अप टू एफ जीरो एन वेक्टर। टोटल फोर्स एग्जर्टेड ऑन ए पॉइंट चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ मल्टीप्लाइड डिफरेंट डिफरेंट चार्ज और वेक्टर सम टोटल जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस इसके अंदर है उनका टोटल अलग अलग फोर्स है उनका एड में वेक्टर सम है वो इसके इक्वल होगा। सेम इसी तरीके से जैसे एफ वेक्टर इक्वल टू यहां पे बाय क्रॉस आउट कर सकते हैं फोर्स एग्जर्टेड ऑन यू नो ड्यू टू की वन तो ये हो जाएगा बाय क्रॉस आउट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जीरो क्यू वन अपॉन आर जीरो वन वेक्टर ये मोड है इसको तो इस मोड लगा सकते हैं स्पीयर और यहाँ पे डायरेक्शन होगी ये होगा जीरो वन कैप ये इसका हो गया प्लस यहाँ पे ये प्लस जीरो टू सेम इस तरीके से ये भी क्या फोर्स एडिटेड ऑन टू नोट ड्यू टू क्यू वन आगे हो जाएगा फोर्स एडिटेड ऑन टू नोट ड्यू टू 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 चार्ज Similarly, 1 upon 4 pi Q0 Q2 upon ये हो जाएगा 0 2 vector by square और direction रहेगी इसको छोटा कर सकते हैं ये हो जाएगा यहाँ पे y plus यहाँ direction से भी r 0 2 cap dot dot अप टू एन एन यहां से तक हो गया 0 1 0 2 0 एन अब 0 एन की डायरेक्शन ये है ये हो जाएगा फोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 0 क्यू एन अपॉन आर वेक्टर 0 एन का स्क्वायर डायरेक्शन के लिए होगा ये टोटल वेक्टर सर बनेगा क्योंकि जैसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू 1 क्यू 2 अपॉन आर स्क्वायर यहां पे क्यू1 की वैल्यू की क्यू1 का काम करता है इस तरीके क्यू2 का काम करता है डेरिवेटिव बीच में यानी कि डिस्टेंस है q0 q1 q0 q1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाए क्यू यहां पे r है यानी कि r का काम करेगा डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सिमिलरली अब इसके बाद सेकंड स्टेप है इसके बाद देखिए नेक्स्ट ये यहां तक हो गया उसके बाद ऊपर से बता रहा हूं इसको के बाद ये हो जाएगा f वेक्टर इक्वल टू f वेक्टर इक्वल टू यहां पे कॉमन आ सकता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन और साथ में q0 इन दोनों सभी के तक कॉमन है तो ये दोनों और से कॉमन q1 अपॉन 0 वन वेक्टर का मोड। अब यहाँ एक चीज और है ये मोड लगाने का आवश्यकता नहीं है बिकॉज जैसे आर वेक्टर है मोड है ये इसको हम लिख सकते हैं ओनली आर ये मैग ओनली वेक्टर हो जाएगा मोड हो जाएगा ये और अंडरस्टूड है मैग वेक्टर है तो मैग लिख सकते हैं यहाँ पे विदाउट वेक्टर 0 1 का स्क्वायर साथ में ये है इसका डायरेक्शन बताने के लिए इसका यूनिट वेक्टर है तो सेम इसको भी हम क्या लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर जो होता है आर कैप जैसे है तो वो होगा आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर ये लिख सकते हैं तो इसकी वैल्यू के साथ साथ पुट करते जाएंगे तो ये इसकी जो वैल्यू है सबसे पहले हम एक स्टेप के लिए लिख देंगे आर 0 1 यानी आर 0 1 कैप प्लस क्यू 2 अपॉन आर 0 2 स्क्वायर आर 0 2 कैप अप टू ये हो जाएगा क्यू एन अपॉन आर जीरो एन का स्क्वायर आर जीरो एन कैप ये हो गया।
सेम इसी तरीके से जैसे बताया कि यहां पे u वेक्टर है तो ये u वेक्टर की वैल्यू है बैटरी तो सेम इसी तरीके से जैसे 0 1 का बनाना है ये हो जाएगा वेक्टर 0 1 ये 0 1 का मूल हो जाएगा सेम इसी तरीके से पुट द वैल्यू ऑफ r का r का r का r का का ये हो जाएगा f वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट इस यहां पे वैल्यू करेंगे q1 अपॉन q0 1 का स्क्वायर ये 0 1 का स्क्वायर हो गया यहां पे ये लिख सकते हैं 0 1 स्क्वायर इसकी वैल्यू यहां पुट करें ये वैल्यू पुट करें तो ये तो ऑलरेडी है कि यहां पे इसकी वैल्यू की है तो ये हो जाएगा r 0 1 वेक्टर अपॉन r 0 यानी मोड इसकी वैल्यू ये पुट कर दी है प्लस q2 अपॉन r 0 2 वेक्टर इसकी वैल्यू सेम इसी तरीके से कर देंगे जो हो जाएगा r 0 2 वेक्टर अपॉन इसका मोड ये हो जाएगा यहां पे मोड तो q2 अपॉन r 0 2 ये इसका स्क्वायर हो गया और एक पावर इसकी है कि एक पावर ये है r 0 2 प्लस सेम इसी तरीके से यहां पे भी हो जाएगा qn अपॉन r 0 n का स्क्वायर और r 0 n वेक्टर अपॉन मोड ऑफ तो मोड हटाने के बाद ये हो जाएगा ये इसके यहां पे ये कंप्लीट आएगा सेम नेक्स्ट स्टेप्स नेक्स्ट स्टेप देखेंगे इसके अंदर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट यहां पे q1 ये हो जाएगा r 0 1 वेक्टर और इसका क्यूब हो जाएगा इसकी 2 पावर यहां पे 1 पावर ये है तो r 0 1 का क्यूब प्लस q2 r 0 n वेक्टर अपॉन r 0 2 का क्यूब हो जाएगा यहां पे प्लस अप टू qn यहां पे q2 था ये हो जाएगा r 0 2 यहां पे 0 n वेक्टर 0 n का क्यूब अब इसको कंप्लीट करना हो तो मैं लिख सकते हैं समीशन में जैसे सब सभी के अंदर एक लॉजिक है जो यहां पे आएगा 1 0 1 फर्स्ट ये है तो 0 1 ये 2 है तो 0 2 जो यहां पे सेम इस तरीके से एक तरह से यहां पे ऑर्डर बन गया ऑर्डर को हम समीशन में लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q 0 ये तो फिक्स है जो कांस्टेंट था जो कॉमन लिया गया अब इसके अंदर समीशन यहां पे समीशन करेगा तो समीशन में लिख सकते हैं स्टार्टिंग कहां से हुई है इनिशियल हो रहा है 1 से और चल रहा है कर रहा है अप टू n इसके बाद यहां पे q i ये स्टार्टिंग का i है 1 2 3 4 अप टू n तक करेंगे यहां पे r नो रहेगा फिक्स और यहां i ये वेक्टर अपॉन r 0 i यहां पे q यानी कि इसको टोटल इसको रूट में लिख सकते हैं तो ये है टोटल फोर्स अमाउंट ऑफ चार्जेस ड्यू टू अदर चार्जेस यानी कि एक पॉइंट चार्ज पे टोटल फोर्स कितना एप्लीकेबल होगा सेम इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग ऑर्डर कर सकते हैं यानी कि एक सिस्टम के लिए तो हम सेकंड जो इसके बाद है सेम इसी तरीके से एक डायरेक्शन और करेंगे तो ये इसका टोटल फोर्स इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ए सिस्टम तरीके से उसको देखेंगे ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ड्यू टू ए सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक पॉइंट चार्ज पर पड़ गया एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जो एक्सप्लेन करते हैं वो इंटेंसिटी से करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
due to applied charge, due to applied charge, a point charge we say point charge. क्या है इसे पॉइंट चार्ज है यहां पे सबसे पहले क्या है एफ वेक्टर ई वेक्टर जो होता है क्योंकि इंटेंसिटी इंटेंसिटी होती है डिनोटेड सो ई वेक्टर से इंटेंसिटी डिनोटेड बाय ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अबाउट क्यू नोट अगर पॉइंट चार्ज है क्यू नोट है तो यहां पे क्या हो रहा है एफ वेक्टर की वैल्यू हो रही है जैसे कोई भी चार्ज सिस्टम में कोई चार्ज है पॉइंट चार्ज है क्यू तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में ये हो गया था ये जो वैल्यू थी सबसे पहले तो अब यहां पर देखो एफ वेक्टर की वैल्यू करें तो एफ वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे यहां से तक मुझे डिस्टेंस इस आर है आर स्क्वायर और साथ में ये तो होगी एफ वेक्टर जब से डिस्टेंस आर कैप हो गया और अपॉन में था तो ये हो गया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अभी क्यू नॉट का टेंस नॉट हो गया था जो गया था r स्क्वायर और r ये वाली वैल्यू आती है कोई पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये वैल्यू आती है लेकिन अगर डिफाइन करें जैसे अभी जो डायग्राम बनाया था सेम उसी तरीके से इसे फोर्स के लिए हम इंटेंसिटी के लिए बना सकते हैं जैसे फोर्स के लिए क्या था तो इंटेंसिटी के लिए हो सकता था जैसे यहां पे ये q1 है यहां पे ये q2 है यहां पे ये q0 है यहां पे ये q n है तो वो भी इसके अंदर जैसे q नोट के लिए निकालेंगे हम क्योंकि जो फोर्स एग्जर्टेड है वो एक ही चार्ज के कारण और कहां से आता है अदर चार्ज से फोर्स एग्जर्टेड होता है वो किस पे है q नोट पे फोर्स तो यहां से तो r1 वेक्टर इसका ये r2 वेक्टर इसका और ये r वेक्टर r n वेक्टर सेम इसी तरीके से यानी कि इंटेंसिटी की बात करेंगे इंटेंसिटी जैसे हम f1 की वैल्यू देखी तो e1 वेक्टर ये हो जाएगा यहां से आता का e2 वेक्टर हो जाएगा en जैसे 0 से n तो यहां पे जैसे मान लीजिए e n वेक्टर यहां हो जाएगा सेम इसी तरीके से जैसे फोर्स का था सेम वहां की जगह e1 e2 लगा रहे हैं वो का वो तरीका है इसमें तो उसी तरह से सुपरपोजिशन जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो अप्लाई करेंगे तो यहां पे जैसे ये आ गया तो अब इसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं तो e वेक्टर इस e वेक्टर जो होगा वेक्टर सम होगा e वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंटेंसिटी और डिफरेंट चार्जेस ओके टोटल इंटेंसिटी और डिफरेंट चार्जेस के इक्वल होगा तो अब इसी तरीके से हम करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए अप्लाई करेंगे सुपरपोजिशन या अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to a system क्योंकि वो जो सिस्टम है वो कंजेस्टेड है एन चार्ज सिस्टम के अंदर ही चार्ज है एन चार्ज due to a system which have many charges is equal to which have we will find as due to system जो सिस्टम which have many charges is equal to the vector sum of different intensities of different charges different charges means क्या है इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उनका वेक्टर सम होगा तो ये हो जाएगा e वेक्टर इक्वल टू e1 वेक्टर प्लस e2 वेक्टर प्लस अप टू हो जाएगा e n वेक्टर
ई वेक्टर। सेम इस तरह इसको स्टेप आगे है तो ई वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन जैसे हमने किया था 1 अपॉन 4 पाई जो वेक्टर के ऊपर काम करेगा इक्वल टू 2 को एंटर करेगा और 2 नोट को ही रहेगा इसके अंदर। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पे सबसे पहले क्यू नोट चला गया यहां पे क्यू नोट को डिवाइड करता तो क्यू 1 अपॉन क्यू नोट या क्यू नोट कैंसिल आउट हो गया एट 1 अपॉन ई1 ऐसे करें तो ई1 जैसे वैल्यू आती है सबसे पहले एफ 1 वेक्टर अपॉन क्यू नोट प्लस एफ 2 वेक्टर अपॉन क्यू नोट एफ एन वेक्टर अपॉन क्यू नोट। सेम इसी तरीके से एफ 1 एफ 2 एफ एन की वैल्यू आप वहां से चेक कर सकते हैं तो ये जो बनेगी वैल्यू उसके बाद वैल्यू बनेगी वो आएगा ई वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या जाएगा q1 अपॉन क्योंकि q नॉट पहले q नॉट था तो यहां पे r01 का स्क्वायर था r01 का यहां पे कैप था यहां पे डिवाइड हो गया q नॉट ये q नॉट डिवाइड के बाद आता है प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 q नॉट अपॉन r02 का स्क्वायर ये हो जाएगा q नॉट। ये q नॉट सबके अंदर कॉमनली सबके अंदर जो डिवाइड हो रहा है r 0 का कैप अब 2 n जो चार्ज था उसके लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q n 0 अपॉन q 0 यहां हो जाएगा r 0 0 n का कैप ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहां पे q नॉट से कैंसिल क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया। सेम इसी वैल्यू इस आर जीरो वेक्टर ये है जैसे जीरो वन वेक्टर ये यहाँ पे है तो अगर इसके मॉडुलस से यहाँ पे डिवाइड या नोट से इसका डिवाइड हो जाए तो ये हो जाता है इसका आर जीरो वन का कैप। तो इसकी जगह ये वैल्यू को करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू इसकी भी पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए 1 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल होगा उसके अंदर कॉमन आ गया था यहां पे आ गया q1 अपॉन r01 का यहां पे क्यूब हो जाएगा q इसलिए हुआ क्योंकि जो इसकी जो वैल्यू कैप की थी ये वैल्यू था वेक्टर अपॉन में इसका जो मोड है या v स्क्वायर था तो यहां पे एक पावर और आ जाएगी। डायरेक्शन आप पता है क्या करना था ये वेक्टर का डायरेक्शन तो ही रहेगी इसका मैग्नीट्यूड का अंतर है इसका यूनिट मैग्नीट्यूड 1 था इसका कुछ कुछ वैल्यू आएगी यहां पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन r02 का स्क्वायर यहां पे मोड है इसका। सेम इस तरह इसकी वैल्यू करेंगे जैसे यहां पे 0 1 था तो 0 2 का क्यूब है 0 2 यहां पे 0 2 से ये वैल्यू को कर देंगे इसके अंदर तो ये हो जाएगा r02 का कैप या वेक्टर अपॉन r02 ये मॉडुलस इसकी पावर इंक्रीज होगी प्लस रूट अप टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पे qn अपॉन देखो यहां पे 0 2 है तो ये इसके लिए रहेगा था 0 n का एक स्क्वायर यहां पे 0 n का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया और इसकी जगह पे करेंगे वेक्टर की 0 n अपॉन मोड है 0 n का तो ये वैल्यू होगी इसके अंदर। अब इसके बाद वैल्यू में कॉमन आएगा कुछ देखो यार 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया और बाकी देखो और कुछ इसके अंदर कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि यहां पे q है ये आ जाएगा q1 अपॉन r01 का क्यूब r01 प्लस q2 अपॉन r02 का क्यू आर जीरो टू का कैप प्लस क्यू पी अपॉन आर जीरो थ्री का क्यू आर जीरो थ्री कैप लिख सकते थे लेकिन अब सर मजबूर नहीं कर रहे तो हम इसको किसी स्टेप से कर रहे थ्री फोर सारे ऐसे हैं तो रोड का क्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा ये फॉर्मल था इसके अंदर हो जाएगा क्यू एन अपॉन आर जीरो एन का क्यू आर जीरो एन वेक्टर। अब इसके अंदर
सिस्टम की टोटल एफिशिएंसी ये है, अगर उसके अंदर n चार्जेस हैं, n चार्जेस q1 q2 q3 up to qn तक चार्जेस हैं, तो यहां पे 1 upon 4 by epsilon log, और अब इसको समेशन दे सकते हैं, ये समेशन इनिशियलाइज हुआ 1 से और अप टू n तक, तो ये हो जाएगा 2 pi, क्योंकि जब 1 2 3 4 यहां n तक है तो यहां pi upon r 0 pi r 0 i का यहां पे क्यूब हो गया, साथ में r 0 i का यहां पे है, तो ये इसका समेशन समेशन में ये आ गया इसका, ये टोटल ये रिजल्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच हैव मेनी चार्जेस q1 q2 अप टू 2n, यानी कि n चार्ज आपके वाले सिस्टम उसके टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए